महामारी के मौजूदा दौर में जहां हमारा देश तीसरी लहर से जूझ रहा है, तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की आर्थिक नब्ज को टटोलते हुए आज अपना चौथा बजट देश के समक्ष पेश किया। नागपुर के हमारे चुनिंदा वित्तीय विश्लेषकों की नजर में इस बजट में क्या मायने हैं और कैसा होगा हमारा आगामी वित्तीय वर्ष 2022-2023 का बजट, आइए जानते हैं वीकेबी न्यूज की इस खास पेशकश में। I feel that it is a growth oriented positive budget with thrust on development of infrastructure. As against expectation of populist election oriented budget, this is a visionary budget with a vision of development of India. There are no changes in the tax rate, no increase in the taxable limit, no increase in the ATC and other saving schemes, reductions in saving schemes, but there is an increase in capital expenditure by rupees 2 lakh crores, the benefit of which will go to the economy and common people in terms of increase in the work, increase in the business opportunities. Of course, some amount will go to the Adanis and Ambanis and likes, but major spending will give a benefit to the common man. Because ultimately, floor level pe Adani Ambani kaam nahi karenge, floor level pe आपके और हमारे जैसे कॉमन मैन ही काम करेंगे और बेनिफिट विल बी पास ऑन टू देम। ऑफ कोर्स सम पार्ट विल रिटेन बाय द सच इंडस्ट्रियलिस्ट। आई फील कि विद वेरियस पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान फॉर डेवलपमेंट ऑफ रोड ऑफ 25,000 किलोमीटर अंडर नेशनल हाईवेज, 40 वंदे भारत ट्रेन्स, मेनी मोर मेट्रोज एंड रोपवेज एंड लिंकिंग ऑफ 5 रिवर्स, We all Indian will. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर।